कहिए माताजी तुमने मुझे क्यों बुलाया? बेटा मेरा दम निकला जा रहा है, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तू मेरे लिए कहीं से भी पानी लेकर आ मेरे लाल। आप चिंता नहीं करें, मैं जाता हूँ और कहीं से पानी और खाने का इंतजाम आपके लिए करके लाता हूँ। क्या हो गया माँ? बेटा आज 3 रोज से मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं मर जाऊंगी, तू मेरे लिए कहीं से भी खाना लेकर आ मेरे लाल। आप चिंता नहीं करो, मैं भी सेठ जी के पास जाता हूँ, उनसे जाके कहूंगा कि कुछ खाने या पीने का इंतजाम कर दे। ठीक है, तुम जल्दी चले जाओ बेटा। सेठ जी जय गोपाल की। सल्लू क्या बात है? सेठ जी मेरी माँ 2-4 दिन से बहुत भूखी है, या तो आप ऐसा करिए मुझको नौकरी पे रख लीजिए, और नौकरी पे नहीं रखते हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने का इंतजाम कर दे जिससे मैं अपनी माँ का पेट भर सकूं। सल्लू हट्टे कट्टे फिरते हो, किसी की मेहनत मजदूरी नहीं करते हो और भीख मांगने चले आए हो, लाला जी तुम्हें सब धन लुटा दे साले, हम भिखारी बन जाए। ऐसी ऐसी लोग है बताओ, किसी गरीब पे तरस नहीं खाते। कितने प्यार से कही मैंने कि कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो नौकरी दे दो जिससे कि मैं कुछ कमा के अपनी माँ का पेट भर सकूं, तो कुछ तो दिया नहीं, उल्टा मार के और भगा दिया। लगता है ये किसी पठान की मुर्गी चुग रही है, ये किसी पठान की मुर्गी चुग रही है, मैं इसको चुरा करके ले जाता हूँ और अपनी माँ का पेट भरूंगा। चोर 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 चोर। बेटा सल्लू क्यों भाग रहा है, क्या बात है? माँ मैं सेठ जी के पास गया, सेठ जी ने ना तो मुझे नौकरी दी ना कुछ खाने पीने के लिए दिया, उल्टा मार के और भगा दिया। माँ ये किसी पठान की मुर्गी चुग रही थी, वो चुरा कर ले आओ, ले तू भी खा और मैं भी खाऊं। बेटा ये चुग रही थी, इधर आ। शाबाश शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। बेटा जाओ इसको बना के लाओ, तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आज के अलावा कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। बेटा अब तो अमीरों का जमाना है, अब तो अमीरों का जमाना है, हम गरीबों का कहां ठिकाना है। बेटा जाओ इसको बना के लाओ। बहुत दिन हो गए हैं, हमारे मुनीम ने हमें कोई हिसाब नहीं दिया, हम मड़म्मा को बुलाना चाहिए। मुनीम जी अरे मड़म्मा शेठ जी, तुमने हमें किसी मील का कोई हिसाब नहीं दिया, एक एक हिसाब साफ सुथरो रखो है। सब बताओ हमको, अभी बैठिए आप, बैठिए। किस मील में कितना फायदा हुआ, किस में कितना घाटा हुआ, किस में कितना कर्जा है, ये बताओ। आएगा रुपया दैया।
हिसाब दे रहे हो? 500 रुपए लिखे हैं ऊपर। अच्छा, पन्ना गलत पलट गो। जल्दी बताओ हिसाब कितना। सेठ जी देखो, बोलो जे क्या ऐसे थूक लगाते हो? अरे थूक नहीं लगाएंगे तो कैसे सरकाएंगे? पूरा पन्ना ही सरक जाएगा। शेठ जी, हाँ, उरई का जो आपका मील था, मील तेल मील, हाँ हाँ, तेल मील में भगवान की कृपा से आधे आधे ड्रम तेल के भरे थे। हाँ हाँ, ऐसी घनघोर बारिश हुई, पूरे पूरे ड्रम भर गए, 10,000 को फायदा होएगा। अब तो फायदो ही फायदो। फायदे के नाम पर कम बोलो, इनकम टैक्स लग जाएगो। इनकम टैक्स लागू हो जाएगा। हाँ, कम बोलो। सही कह रहे थे। और बताओ। ओ शेठ जी, हाँ, जो तुम्हारा दिल्ली में सूत मिल था, हाँ, उसमें क्या हुआ शेठ जी? तुम्हें दिल की घबराहट तो नहीं आती है? नहीं। अटैक तो नहीं पड़ता है? अरे हम सेठ है, अटैक पड़ेगा तो तुम्हारा सूत मिल था। हाँ, भगवान की दया से। हाँ, दिवाली का समय था, दीपावली का समय था, दीपावली का समय था, काऊ ने कुतिया के पूज में पटाखा बांध दे। हाँ, वो सूत मिल में घुस गई। हाँ, पूरे मिल में आग लग गई। अब तो घाटो ही घाटो। तुमने ये क्या करवा दिया, बहुत घाटा हो गया। दुनिया वाले समझेंगे सेठ जी कंगाल हो गए। और मील है। अब आ गई बादामो, सल्लू की बादामा। बादामो, उसमें कितना कर्जा है? ना मूले आओ ना ब्याज आओ। कितना कर्जा है इन पे? है 7,000 रुपया और 2.25 आठानो ठाड़ो है। है क्या क्या ले गई जे बताओ? देखिए अब सेठ जी, अब हम पे तुम बहुत खुश होगे। पूछ हमने कैसे ब्याज बढ़ाई? कैसे बढ़ाई बताओ? 20 रुपए की धोती। हाँ, और 20 रुपए की साड़ी। वाह वाह मुनीम जी वाह। और 20 रुपए की चीनी। हाँ, और 20 रुपए की शक्कर। वाह। 20 रुपए का गुड़ और 20 रुपए की मिठाई। वाह। 10 रुपए को नून, 10 रुपए की नमक। हाँ हाँ, और 10 रुपए की मिर्चा, 10 रुपए का मिर्चा। वाह बहुत होशियारो। सब टोटल कितना हुआ? कुल मिला के 7,000 चौधरी खड़ी है। ये चवन्नी चलती है? नहीं चल रही, चल रही नहीं चल रही है। हम तो लिखे हैं सब वसूल करेंगे। चलो आज ही वसूल करेंगे। सुल्ताना की माँ बदामा के पास चलो, आज ही वसूल करेंगे। चलो टको टको, भाई भाई, धेलो धेलो, कौड़ी कौड़ी। तुम्हारे बाप के उससे कहेंगे बादाम। चलो सेठ जी, हाथ पैर अंदर काबू में रखी। आओ, आओ। कौड़ी कौड़ी, खेलो खेलो, तुम्हारे बाप के हैं है? उससे कहेंगे, उससे कहना वा। चलो आओ सेठ जी, ये बादामों का मकान आ गया। बादाम वाले बदामा, उसका मकान है ये मकान। यार मुनीम जी मकान बहुत सुंदर है, और साली पैसा नहीं दे रही है। हाँ, जाओ पैसा लेके आओ। आप रुको मारे, जाओ ठीक। बादाम हो, क्या बात है मुनीम चचा। चचा कह के पूरे मुंह को स्वाद खराब कर दो। क्या बात है मुनीम चचा? चचा मत कह कर बादामो, चचा मत क्या कर। पैसा पैसा, कोड़ी कोड़ी, धेलो धेलो, आज ही वसूल करेंगे। सेठ जी संगे आए हैं, आज पैसा तू देगी। सेठ जी आए हैं? हाँ। बाहर हैं? बाहर हैं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ चचा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत एक एक पैसे से तबाह हूँ। मुनीम चचा, सेठ जी को समझा दो, मेरा बेटा अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा, पढ़े लिख जाएगा, नौकरी पे लग जाएगा, मैं उनका पाई पाई चुका दूंगी। बादामो, तूने मेरी आंखों में आंसू डाल दिए। तेरा बेटा भी छोटा है। हाँ, बड़ा हो जाएगा। हाँ, नौकरी लग जाएगी। हाँ, जब पैसे देगी। हाँ, तेरा बेटा का नाम क्या है? सल्लू नाम है। जब ही तो बड़ा नहीं हो रहा, उसका नाम रख दे महंगाई।
महंगाई बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सेठ जी को समझा दो मुनीम चाचा। हट पीछे चाचा, तौल तौल के, तौल तौल के, माल माल के, अरे तौल तौल के, अरे तौल तौल के। सेठा, क्या खबर लेके आए हो? सेठा, सेठा नहीं, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। बादामों से हम सोम मिले, सोम मिले बदामा, बादामों ने कही अबे अभी, अरे बादाम की नहीं कह रहे हैं। आज हम सोम मिले तो उसने, मेरा बेटा छोटा बड़ा हो जाएगा, आपका कोड़ी कोड़ी धीरे धीरे चुका देंगे। कब मुनीम के बच्चे? हाँ, हमें इससे क्या मतलब है? क्यों छोटा आया बड़ा होगा तब? एक बात बताओ, उसको कोई नौकरी तो देता नहीं। क्यों? कल का पेपर तुमने पढ़ा? कल हमने दैनिक जागरण नहीं पढ़ा। पढ़ा, उसने उस पठान की मुर्गी चुरा ली है। वो किसी की चोरी करता है, चपाटी करता है, उसको कौन नौकरी देगा? हम कोई ठेकेदार है, पैसा लेके आओ। ठीक बात है, जाओ अभी पैसे लेके आ रहे। हाँ। बादाम मुनीम चाचा, फिर भी आ जाते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो मुनीम चाचा? मैं बहुत परेशान हूँ, सेठ जी को समझा दो। पैसा चुक गए, रजिस्टर में आग लगा देंगे, पैसा चुक गए, समझा दो। तौल तौल के, अरे मौल मौल के, अरे तौल तौल के, अरे मौल मौल के। सेठ जी बोलो, सेठ जी, सेठ जी। ससुड़े कैसे बोले तो? पैसा चुक गए, रजिस्टर में आग लगा दे। आज मैंने बादामों को देखा, देखा एक एक आंख, एक एक आंख, एक एक लाख की, एक एक आंख, एक एक लाख रुपए की, और बाकी सामान जाने क्या करोड़ रुपए। सही कह रहे हैं यार मुनीम, वो शैतानी मर गई। अरे रुक जाओ, दशरथ ना करो। अरे क्या करा बताओ, तो हम सोच रहे तो हम बातचीत कर दे। समझदार हूँ मुनीम चाचा, बताओ क्या कह रहे हैं? मुनीम चाचा, ससुड़े मड़म्मा, मड़म्मा देखो, मम्मा ना कह, मुनीम जी बात सुनो, उससे कहो जाके कि मेरे सेठ जी से मोहब्बत कर लो, खाते का पैसा खत्म। मोहब्बत? हाँ कर लो, पैसा खत्म। एक्स एक्स क्या? एक्स इश्क, एक्स की माँ की, एक्स की माँ की, क्या आज? या नहीं बात हो जाके, अच्छा हाँ, हमारे सेठ जी से मोहब्बत कर, मोहब्बत कर लो। हाँ, अरे तुम्हारी बीसी खुल गई, जाओ। अरे जाए रे बादाम। क्या बात है मुनीम चाचा? अरे तेरा सत्य ना जा चाचा कह के पूरे मुंह को स्वाद खराब कर दो। मुनीम चाचा अब क्या बात है? बादामो, पैसा चुक गए, हमारे सेठ जी से एक बार मोहब्बत कर लूं। मोहब्बत? हाँ मुनीम चाचा। हाँ, मोहब्बत क्या खाई जाती है? नहीं, कोई पेड़ होता है? नहीं, चोट लग जाए लगाई जाती है। कोई पेड़ होता है? नहीं, बेल उड़ती है। मैं आपके हाथ जोड़ती, समझा दो सेठ जी को। हट पीछे, तौल तौल के, तौल मुनीम जी, सेठ जी क्या खबर लाए हो? बादामों बहुत सीधी है। क्या कह रही है? कह रही मोहब्बत खाई जाती है। हाँ, मोहब्बत खाई जाती है। वो जानती नहीं, बहुत मलूक है, सीधी है। हाँ मुनीम जी, वो नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते, तुम तो जानो तो। हम तो खूब जानते हैं, जानती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये पूछ के आओ, हमारे सेठ जी से प्यार कर लो, प्यार, खाते का पैसा सब खत्म। अब आए तो मौकात पे जाओ, तौल तौल के, तौल तौल के, बादाम। पैसा चुक गए, सेठ जी मान गए, मान गए हमारे सेठ जी से एक बार। जी क्या कर रहे हैं मुनीम चाचा? प्यार कर लो,
प्यार हाँ प्यार हाँ मुनीम चचा तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम समझदार हो पढ़े लिखे हो तुम्हें अकल नहीं है। पूरी पार्टी में हम ही समझदार जानवर हैं। जानवर इंसान मुनीम चचा इस साल बरसात हुई नहीं है जब बरसात नहीं होगी जब धान नहीं होंगे तो प्यार कहाँ से आएगा समझा दो सेठ जी को। इस साल बरसात हुई नहीं हाँ धान नहीं हुए धान हुआ नहीं प्यार कहाँ से आएगा जब प्यार नहीं आएगा तो सेठ क्या खाएगा ये सेठ हमारा बद्दा जो प्यार खाएगा समझा दो।